जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छी होंगे बाबा की कृपा से। और हमारा सारा काम हो चुका है, सुबह का बज रहा है 8। यहाँ नहाना धोना पूजा पाठ सब हो चुका है, बस नाश्ता बनाना है। और जानते हैं नाश्ते में आज मैं क्या बना रही हूँ? बच्चों की फरमाइश है कि आज मम्मी पालक की पूड़ियाँ बनाऊँ। यहाँ मैंने काफ़ी दिन से नहीं बनाई अभी, तो आज मैं बनाऊँगी पालक की पूड़ियाँ। भाई बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी चाहिए, तो मैं जा रही हूँ पालक की पूड़ियाँ बनाने। और देखिए मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ पालक की पूड़ियाँ। तो पालक तो मैंने मंगा दी है, उसको चलिए बनाते हैं। और ना जिस दिन सारा काम जल्दी हो जाता है ना, उस दिन मन को बहुत सुकून रहता है। 8 बजे तक मेरा सारा झाड़ू पोछा नहाना धोना सारे काम हो गए, तो मन बड़ा फ्रेश है। और जिस दिन लेट हो जाता है तो उस दिन दिमाग में पता नहीं एक टेंशन सी चलती रहती है। शायद सबके साथ ही ऐसा होता होगा, मेरे साथ ही होता है, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं जो रोज़ भर के पक्षियों के लिए पानी रखती हूँ, तो वही मैं रख रही हूँ। मैंने कभी रख ही देती हूँ, क्योंकि सुबह रख जाता तो ठीक रहता है, शाम को तो फिर उतना पक्षी आते ही नहीं। और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, तो पालक को ना बीन रही हूँ, क्योंकि जो बंधी हुई आती है ना, तो उसमें कहीं कुछ भी जैसे घास वास वगैरह भी होता है, तो बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद मैं इसको धुल के मैं उबालने के लिए रखूँगी। तो यहाँ मैं कुकर में उबालने के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पर मेरी पालक उबल चुकी है, उबल के ठंडी भी हो चुकी है, तो मैं इसको जार में डाल के पीस रही हूँ। और इसमें हरी मिर्च मैंने 3 काट के डाली हैं, अदरक के टुकड़े हैं, और अब मैं इसको पीस रही हूँ। और इसका तुरंत पीस जाता, अच्छा पेस्ट बनाना है। अब यहाँ मैंने आटा छान लिया है, आटे में जा रहा है जीरा, और अब डाल रही हूँ लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च इसमें पीस चुकी है, और नमक 1 चम्मच नमक, आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच मैं बड़ा वाला तेल डालूंगी, रिफाइंड ऑयल, और ये मैंने लिया है 2 चम्मच बेसन। तो इन सबको अच्छे से मिलाना है, और जो ये मैंने पेस्ट तैयार किया है, अब वो मैं इसमें पेस्ट मिला रही हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल के ना उसी जार में थोड़ा सा पानी और धो के ऐड कर लिया है। अब मैं अच्छे से इसको आटा लगा रही हूँ, और आटा मेरा लग चुका है। और यहाँ मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है, और जब तक कढ़ाई का तेल गरम होगा तब तक मैं बेल के रख ले रही हूँ, क्योंकि फटाफट से फिर बेलने में दिक्कत होती है, तो मैं पहले बेल के कुछ रखे ले रही हूँ कुछ पूड़ियों को। तो यहाँ मैं बेल रही हूँ, और देखिए यहाँ मेरी गर्मा गर्म पालक की पूड़ियाँ निकल रही हैं। और भाई करारी करारी पूड़ियाँ तो खाने में अच्छी ही लगती हैं, तो मैंने कहा गर्मा गर्म सेक देती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ, मम्मी भी खा लेंगी, नहा चुकी हैं। यहाँ मुझे बनानी है आम की मीठी चटनी, यानी अमचूर जो होता है, आम सुखाते हैं ना, वो मैंने पानी में गला दी थी, और जब पानी बॉयल हो गया तो मैंने उसको उसमें डाल दिया है। तो ये अच्छे से पक चुकी है, तो अब मैं इसको छान लेती हूँ और इसका पल्प जो है वो निकाल देती हूँ, क्योंकि इसमें जो छना हुआ पानी जो निकलेगा अमचूर का, उसमें मैं सारे इसमें मसाले और गुड़ या चीनी, आप जो कुछ भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और अब मैं इस पानी में ऐड कर रही हूँ मसाले। मसालों में मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, काला नमक और भुना हुआ जीरा, इतनी चीज़ मैंने डाली है। यहाँ मेरी चटनी भी रेडी हो गई। नाश्ता होने के बाद में कुछ देर सब लोगों ने रेस्ट किया, इसके बाद ये खरबूजा रखा हुआ था फ्रिज में, तो ये काटने भैया ये ना फ्रिज में से फल तो बहुत जल्दी निकाल के लाते हैं काटने के लिए, वरना हमारी फ्रिज में फल रखे ही रह जाएँ, यही ज़्यादा देख रेख करते हैं। तो इन्होंने निकाल लिया है, उसको काट रहे हैं, और यहाँ मैं उबोलू खा रही हूँ, और यहाँ पर मम्मी और ये खा रहे हैं। और सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं कपड़ों की कर रही हूँ तह, मुझे आज कपड़े लगाने हैं, अलमारी के भी कपड़े लगाने हैं, तो फटाफट से पहले मैं ये कपड़े लगा लेती हूँ जो सूख गए हैं।
सवाल थे कि दीदी आपके कितने बेटे हैं, तो मैंने कहा रिप्लाई में एक ही लोग दो लोगों को पता चलेगा, इससे अच्छा मैं वीडियो ही बना देती हूँ जिससे सबको पता चल जाएगा। तो मैं बता दूँ मेरे दो बेटे हैं गोलू और भोलू। तो गोलू का नाम वैभव है और इसका नाम अभिषेक है, घर में तो गोलू मोलू वैसे ही बुलाते हैं। तो ये आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा क्योंकि ये दादी के पास में था तब से और दादी के साथ इसका इतना ज़्यादा लगाव है, तो दादी इसके भी बिन नहीं रह पाती, ये भी दादी के बिना नहीं रह पाता, इसलिए ये वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा, लेकिन अब दिखेगा। तो मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे दो ही बेटे हैं गोलू और भोलू, यानी कि वैभव और अभिषेक। तो बोलो कुछ बोल रहे हैं अच्छा। और ये बहुत सीधा साधा है, बहुत ज़्यादा सीधा, वो बहुत शरारती है, उसकी शरारत तो आपने देख ही ली होगी ऑन कैमरा, और सारा दिन शरारत करता। और ये बहुत सीधा साधा है, शांत बिल्कुल है, जो काम बोलेंगे आपको करके देगा और बहुत सीधा है। तो बस मैंने कहा आप लोगों को वीडियो में बता देती हूँ अपने दोनों बेटों के बारे में। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू शाम वाली, तो झाड़ू भी लग जाए हमारी फटाफट। और यहाँ पर मैं अलमारी की सारे कपड़े यानी साड़ियाँ लगा रही हूँ, डेली यूज वाली अलग और वैसी साड़ी अलग, इन सबको मैं अलग अलग कर रही हूँ। और ब्लाउज सारे मैं अलग करूँगी, उनको एक झोले में भर करके तब अलमारी में रखूँगी, उससे क्या ना ढूंढने में परेशानी नहीं होती, साड़ी अलग रहें ब्लाउज सारे अलग रहें। तो जो साड़ी निकाल लीजिए उसी झोले को उठा करके उससे ब्लाउज निकाल लीजिए, तो बस मैं वही सेट कर रही हूँ। सारी ब्लाउज अलग कर रही हूँ, भाई ब्लाउज को अलग करके अलग झोले में भर के रख दूंगी, तो उससे क्या परेशानी नहीं होती, जो ब्लाउज निकालना है ब्लाउज वो साड़ी निकाल लीजिए। और फ्री होने के बाद में हम थोड़ा आ गए थे काम से मार्केट तरफ, बेसिकली अभिषेक की फ़ोटो वोटो भी खिंचवानी थी, तो हम लोग थोड़ा आ गए हैं मार्केट तरफ। तो यहाँ देखिए इतना जाम है भाई, शरबत बट रहा है आज एकादशी की वजह से, तो बहुत जाम है भाई, आगे लोग खड़े होकर पी रहे हैं, पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है, हो गया एक दिन की ही बात है और होना भी चाहिए, लगता भी है कि हाँ कोई त्यौहार है। तो बस यहाँ शरबत बांटा जा रहा है। और इसके बाद में लौटते समय हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा मुझे सब्ज़ियाँ ख़रीदनी थी, तो बस मैं सब्ज़ियाँ खरीद रही हुई जो ज़रूरी थी। ये लौटते समय कूलर के लिए घास भी लाए थे, तो बस वही ये लगा रहे हैं, तो इसको भी बोलते हैं आज रेडी कर देते हैं, पोत तो गया ही, पोत लिए हैं तो इसमें घास भी लगा देते हैं, तो बस वही लगा रहे हैं। और यहाँ मैं सबके लिए पापड़ भून रही हूँ, मैंने कहा पहले पापड़ भून लेती हूँ इसके बाद में चाय बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ चाय फिर ठंडी हो जाती है। तो यहाँ मेरे यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय, पापड़ मेरे भून चुके हैं, मैं बना रही हूँ चाय फटाफट, तो मम्मी लोगों को दे दूँ। उसके बाद इनका ये कूलर वाला काम हो गया, इनको भी दे देती हूँ। यहाँ पर मैं धुल रही हूँ रात में छत, जानते हैं छत धुल देते ना शाम टाइम में तो पैर नहीं जलते, अगर बगैर स्लीपर की भी गलती से जाते तो पैर नहीं जलते। मैं धुल ही रही थी तब तक नीचे से बुलावा आ गया कि वहाँ गीत गाए जाने का एकादशी के, तो हम और मम्मी वहाँ पर आए हैं, सुन लीजिए आप लोग। ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग, और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।